अरे कुछ डंडा डंडा दो हाँ दिखे नहीं चल हैप्पी बर्थडे गाने गा ले चल गाने गा हैप्पी बर्थडे नाइफ नाइफ एक किंग भी चाल के लिए भाई लेना इससे अच्छा है मैम विशाल को मिला विशाल को विशाल को मैम विशाल को विशाल को विशाल को मैम इस कैमरे प्लीज खाइए विशाल जा यार शर्माइए मत ना विशाल दीपाली मैम विशाल केक खा लो ना मैम शिवांगी सामने खड़े हो सब लोग विशाल सामने खड़े हो ना विशाल वीडियो ले रहा हूँ अरे सेलिब्रेशन तो नहीं समय नहीं मिल पाता घर के लोगों से मिलने का तो मैंने सोचा घर के और जो बहुत करीब के दोस्त हैं उनसे मिलने का समय नहीं मिल पाता भले कुछ लोग आएंगे जो हमारे अनुपमा के हैं उनसे सेट पे मिलती हूँ लेकिन जिस तरह से यू गेट टू अनवाइंड रिलैक्स एंड चिल विद फ्रेंड्स तो वो करने आ रही हूँ बर्थडे तो बस एक बहाना है एंड आई हैव ही इज़ ऑलवेज सेलिब्रेटेड माय बर्थडे पिछले दो साल लॉकडाउन में नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इस बार लेट्स डू समथिंग लेट्स गेट टुगेदर विद द फैमिली विद फ्रेंड्स एंड माय टीम प्लीज़ कम हियर ब्रैंडन बस माय टीम रिया मधु एंड डॉली इज़ कमिंग सो दे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दिस सरप्राइज बैश फॉर मी आई डिडंट इवन नो तो मैंने एक्चुअली लोगों को लास्ट मिनट इनवाइट भेजे हैं दे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दिस होल थिंग हमारे लिए सबसे बड़ा लग्जरी इन द लास्ट 2-2.5 years इस शो के जरिए राजन शाही और उनके टीम ऑफ राइटर्स विल बी हियर इन सम टाइम
उन्होंने हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश की है, एक तरह से समाज को एक अलग सोच देने की कोशिश की है। दे कांट चेंज द वर्ल्ड, दे कांट चेंज द सोसाइटी, लेकिन एक कोशिश है कि लोग शायद अलग तरीके से सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदले हमारे समाज में। I have a couple of, I would not call them fans, I would call them my digital family. तो वो आई हुई हैं और मैं उन देखती हूँ उन्हें, मुझे सपोर्ट, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, आज पहली बार उनसे मिल रही हूँ। एंड आई फील सो ओवरवेल्म कि जिन लोगों को मैं जानती नहीं, जिन लोग से मैं मिली नहीं, वो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। एंड इट फील सो 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 गुड, ही इज़ वेरी नाइस। Let's call them Anupama family. Let's not call them fans because they are more than fans now. They are totally Anupama's digital family. Thank you so much. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोग इतना मॉरल बूस्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत 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 थैंक यू। इसी तरह से आपका प्यार बरकरार रहे, यही मतलब इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। थैंक यू। कम कम रबरा कम आपको कैसे पता ऊपर अच्छी पार्टी मैंने को बोला तो बहुत खुशी का दिन है कि आज रूपाली का बर्थडे है और कुछ दिन पहले हमने सेट पे भी सेलिब्रेट किया था और उन्होंने पूरे कास्ट को और यूनिट को लंच खिलाया था, एक हमारा एक अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। सो विशिंग रूपाली ऑल द बेस्ट, जो आज उनकी तरक्की है, जो उन्होंने मेहनत से और जो उन्होंने आज मुकाम पे पहुँचे हैं। आई थिंक वेरी फ्यू आर डेस्टिन्ड यू नो टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ सक्सेस, और उस सक्सेस के साथ डे बाई डे जो मेहनत है, ह्यूमिलिटी है, हम वही चीज़ को सेलिब्रेट करने आए। और आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम, बिकॉज फॉर सम रीजन यू डोंट बिलीव इट, पर फॉर सम रीजन द पार्टीज थ्रोन बाय एक्टर्स इज ऑलवेज लकी फॉर अस। जब DKP में एक्टर्स पार्टी थ्रो करते हैं तो वो बहुत लकी होता है शो के लिए। तो अभी रूपाली जी के बाद गौरव जी का होगा, डॉक्टर जी भी देंगे, सब देंगे, इसलिए उनको आज इंकरेज करने आए थे। और पार्टी जी मेरे ख्याल से ये सारी टीम की एक मेहनत है। जैसे मैंने कहा कि शो सब बनाते, मेहनत सब करते, मगर ऊपर वाला डिसाइड करता है कि चंद लोग जब साथ में मिलते हैं, हमारी पूरी यूनिट कास्ट सब, उनकी कुछ मेहनत है। और आई थिंक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, घर वालों की ब्लेसिंग्स हैं, और ऑडियंस का प्यार है जो मिला है। तो वी शुड वैल्यू दैट एंड आज उसे सेलिब्रेट करने के लिए टू द सिंबल ऑफ आर हार्ड वर्क टू रूपाली हम आज विश करने आए हैं। वी शुड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके रोल को प्यार मिलता है, काफ़ी हाई है जी, क्या कुछ करना चाहोगे जी? ये जो दो मैजिशियन मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं की देन है। मैं वो क्ले हूँ जिनको इन्होंने बड़े अच्छे से मोल्ड किया और आप लोगों को भरोसा है। एंड आई सिंसियरली फील कि गॉड हैज़ बीन रियली काइंड एंड आई बिलीव कि जैसे एक अच्छा प्लेयर तभी बनता है जब एक अच्छा कोच साथ हो। सो ये मेरे साथ खड़े हैं तो इससे बड़ी बात और होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैम का बर्थडे क्या कुछ ऊपर जाके सेलिब्रेट होगा? मुझे तो अभी ये भी पता नहीं कि ऊपर जाना है, अभी तो बाहर ही हम लोग मिले हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। ओके, सो आई एम होपिंग कि जब इंसान लाइफ में ऊपर जाता है तो
सीढ़ी जब चढ़ता है लाइफ में तो हमेशा अच्छे के लिए चढ़ता है. तो आई एम होपिंग दैट व्हेन आई क्लाइंब अप देयर आई एम श्योर वी विल हैव अ ग्रेट टाइम मीटिंग ऑल आवर फ्रेंड्स अप देयर. फ्यू वीक्स बैक नहीं, अभी अभी था बस बस. हाँ, 5 तारीख का. सरप्राइज गिफ्ट तो हम लोग रोज एक दूसरे को देते हैं. जब हम लोग सीन्स करते हैं तो मैं कभी ना कभी दिन में एक बार सरप्राइज दे ही देता हूँ अनुपमा को, बिकॉज वनराज का कैरेक्टर ऐसा है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो कोई ना कोई सरप्राइज मैं दे ही देता हूँ अनुपमा को. नो एक्चुअली सी थिंग इज द फैक्ट इज दैट वनराज's कैरेक्टर इज प्रॉबली द ओनली कैरेक्टर ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द टाइम आई हैव सीन टेलीविजन जो बिल्कुल ही ग्रे कैरेक्टर है. वो बिल्कुल रन ऑफ द मिल हीरो टाइप था ही नहीं, एकदम कि फील गुड हर चीज़ में अच्छा वैसा नहीं था. तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर मी टू बी एबल टू एग्जीक्यूट. बट यस, लोगों ने उसको बहुत सराहा और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी हेट्रेड या जितनी नफरत वनराज को मिलती है वो उसके लिए एक तरह से सराहना है, प्रोत्साहन है. बिकॉज इफ दे डोंट हेट वनराज सो मच देन हाउ विल एवरीथिंग एल्स फॉल इन प्लेस, यू नो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल लव टू हेट मी इज व्हाट आई वुड से. I'd like to say to my fans that thank you so much for giving us so much love, for giving our show so much love. I would also request all of you to keep watching Anupama and keep giving your love, and we will from our side try our best to bring to you a lot of entertainment with a lot of good social messages. Thank you so much. बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बात तो रूपाली जी को आई वुड लाइक टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जो कि मैं ऑफकोर्स कर चुकी हूँ पहले, आज दोबारा करूँगी. एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि हम इस बार अपना थर्ड बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ गोना बी सेलिब्रेटिंग द थर्ड बर्थडे जब तक अनुपमा की शूटिंग शुरू हुई है, जब से शुरू हुई है. सो ऑफकोर्स इट फील्स ग्रेट एंड वी गोना सेलिब्रेट टुगेदर विथ टीम अनुपमा. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आपने हम सबको इतना प्यार दिया है कि अब 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं हमारे शो को. सो वी आर ऑल फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू एवरीबडी. थैंक यू सो मच एंड टीम अनुपमा रॉक. एंड मैम, व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स रूपाली जी वेरी स्पेशल? व्हाट्स द वन थिंग दैट मेक्स अ वेरी स्पेशल? ये क्वेश्चन है क्या? बिकॉज शी इज अनुपमा, सो दैट्स व्हाट मेक्स अस स्पेशल, राइट? एंड मैम, अनुपमा सीरियल की मैं बात करूं, हमेशा एक छोटा छोटा मैसेज रहता है. अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मैसेज है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कौन सा मैसेज? लड़कियों को भी सेकंड चांस मिलता है. यस ऑफ कोर्स. तो हमारा शो इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अ मैसेज जो कि बहुत रियलिस्टिक है और जो कि इट्स हाई टाइम अब सोसाइटी में ये चेंजेस आए, जो कि काफ़ी हद तक आने लगे हैं. बट थ्रू आर शो वी आर प्रमोटिंग दिस वन पॉइंट कि सेकंड चांस इज नॉट नेसेसरी. कि बस एक ये बहुत एक वियर्ड सा एक नोशन होता है कि व्हेन इट कम्स टू मेन तो सेकेंड चांस क्या, थर्ड चांस, टेंथ चांस भी देना इज़ नॉट अ बिग डील. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन तब हर एक चीज़ कट डाउन हो जाती है. सो आप शो देख रहे हैं, आप शो को फॉलो करते आए हैं, तब आपको पता चला है कि नाउ देर इज वी लिविंग इन अ वेरी लिबरल वर्ल्ड टुडे एंड द एरा दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ डजंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स. सो यस, दिस इज़ वॉट मैटर्स एंड दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंड दिस इज़ वॉट द ऑडियंस इज़ लविंग. तो इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस भी कितनी इवॉल्व है एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी. हमारी टी आर पी हाई रखने के पीछे तो सबसे पहले हमारे राइटर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारे माई डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर राजन शाही सर, जो कि इतनी मेहनत करते हैं फॉर ईच एंड एवरी एपिसोड. एक एक लाइन, एक एक डायलॉग, सब कुछ उनके गन बाय होता है, यू नो, फ्रॉम द टाइनीस्ट ऑफ द थिंग्स टू द मेजर डिसीजंस.
तो इसीलिए हमारी टीम टचवुड बहुत अच्छी है एंड जो टीआरपी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, दी ऑडियंस, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, सो दिस इज़ व्हाट दैट मैटर्स, दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स टू अस। हम जितनी मेहनत करते हैं, हमारी टीम जितनी मेहनत करती है, इट्स ओनली ताकि हम आपके आप तक वो एंटरटेनमेंट पहुँचाते रहें। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है दैट शी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे और मैं उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिलूंगी, काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी दिनों के बाद मिलूंगी, सो बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई लव हर, शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड शी इज़ माई फेवरेट, आई एम हर फैन, तो मैं तो मतलब मैं हमेशा ऑल में रहती हूँ उनके, शी इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बींग एंड आई एम एन अमेजिंग एक्टर, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। उनका शो बहुत अच्छा है और शो की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शो गिव्स अ वेरी वेरी नाइस मैसेज, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स? है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, सो जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। क्या कुछ है गाना आने वाला OTT प्लेटफॉर्म? वो मैं क्यों बताऊँ, वो मैं नहीं बताऊँगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगी। थैंक यू। सॉन्ग भी आने वाला है। थैंक यू। बहुत 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 एक्साइटेड है एक्चुअली, तो रूपाली का बर्थडे तो हम तो ऐसे रोज़ मनाते हैं, सो वी रियली सेलिब्रेट, शूट पे हम बहुत मज़े करते हैं। आज एक और मज़ा ये एक ही बात का है कि पिछले 2 साल से उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि 2021 में हम मिले, अनुपमा शुरू हुआ तब लॉकडाउन लग गया, तो अप्रैल में लॉकडाउन था, लास्ट अप्रैल में उसे खुद को कोविड हो गया था तो हम मिले नहीं थे बर्थडे सेलिब्रेट, तो पूरी 2 साल की जो कसर बाकी रह गई है सारी आज भड़ास हम पूरी कर लेंगे। रूपाली एक अलग ही है, बहुत अलग है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, सब कभी कभी उसे झेलना पड़ेगा, बट शी इज़ टू गुड यहाँ से सोचती है, इसलिए बहुत सारी हरकतें उसकी ऐसी होती है कि हम अरे ऐसा मत कर रूपाली, पर बहुत अच्छी है, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और बस और सबसे ज़्यादा उसका हमें अच्छा ये लगता है कि
एनिमल लवर है और बहुत कुत्तों के लिए उसके दिल में कोई अलग ही प्यार है और उसके लिए वो बहुत सोचती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बात करूं, टीआरपी ऑलवेज हाई, फैंस को क्या कहना चाहूँगी? बस यही प्यार देते रहिए, नेक्स्ट ईयर वैसे ही वापस हम बर्थडे पार्टी में रूपाली के मिलेंगे, वैसे ही आप हमें ऑडियंस को कहती हैं कि प्लीज़ प्यार देते रहिए और हमेशा हम नंबर वन रहेंगे, हमारी कोशिश हमारी मेहनत जारी रहेगी। एंजॉय करने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रूपाली मैम का बर्थडे है और आई एम रियली वेटिंग टू मीट हर बिकॉज हम पिछले एक हफ्ते से मिले नहीं है, सो द एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम डज नॉट लाइक सरप्राइजेज, तो हम जो भी करेंगे उनको पूछ कर करेंगे, तो हाँ। मैम लव्स एनिमल्स, शी लव्स डॉग्स, तो अगर आप लोग कुछ एक स्ट्रीट डॉग के लिए कर देंगे तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी। जो लड़की जो मैं मतलब आई एम वेरी स्केयर ऑफ डॉग्स पर आई मेक श्योर दैट व्हेन शी इज अराउंड तो मैं ज़्यादा चीची ना करूँ, सो दैट वॉज अ बर्थडे गिफ्ट। यस, बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान करे कि अनुपमा हमेशा नंबर वन शो रहे और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं उस शो में। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल हैव गिवन माय कैरेक्टर आल्सो, तो बहुत मज़ा आता है और पाली मैम के साथ सीन्स करने में तो बड़े मज़ा आते हैं। थैंक यू। Yeah, post birthday celebration. Also, my bring in. Yeah. So, what do you want to say? How excited are you? Yeah, it's been always special to work with Rupali ma'am because we have like grown up watching her, and she like I don't have to tell you कि वो कितनी fabulous actor है. मतलब वो हर चीज हर मुर्की इतनी बारीकी से लेती हैं. She even takes a retake just to correct that small mistake if it has happened. So there is so much to learn from her. और साथ ही साथ she's an amazing human being in terms of dogs, in terms of humans. She loves feeding. हम बहुत खाना खाते हैं, उनके घर का खाना खाते हैं, उनके साथ enjoy करते हैं. We love it. And what is the one thing that makes Rupali? I think the honesty, the way we are connected. We are very, very honest to each other. Like if I don't like anything, I will tell her directly on her face, and she appreciates that. And I'm very vocally honest to her on her face, and that is our true bond. Yeah. मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज द वे यू गाइज हैव सपोर्टेड अनुपमा, ईच एंड एवरी कास्ट इन अनुपमा, एंड हम इतना इंजॉय करते हैं आप लोगों के लिए परफॉर्म करना, एंड स्पेशली विद माई कैरेक्टर आप लोगों ने इतना दिया है कि उसको समझा है वेर एवर ही इज गॉन रॉन्ग एंड ऑलवेज सपोर्टेड दैट. So thank you so much for all that love. I'm promising you guys to work hard, even harder, and deliver the best. Thank you. One bite, sir. One bite. Hey, ho gaya mera baat, sir. Yahan pe dekhi, sir.
जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहोगे? रूपाली का बर्थडे है, रूपाली जैसे घर की सदस्य है। आजकल तो मैं ये कहूँगा कि अनुपमा नाम का जो सीरियल है वो इतना मशहूर हो गया है कि पूरे इंडिया के ही नहीं, हर भारतीय जहाँ जहाँ देश विदेश में बसे हुए भारतीय उन सब के घर की सदस्य बन चुकी है हमारी रूपाली, जो साराभाई वर्सेस साराभाई से काफ़ी उनको सबसे पहले पॉपुलैरिटी मिली थी। जैसे कि सब जानते हैं साराभाई का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो हमारा इंटरेक्शन जो रूपाली के साथ हुआ था एज अ डायरेक्टर एक्टर, तो इट वॉज अ वंडरफुल इंटरेक्शन और तब से एक बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया था हमारे बीच। और तब से रूपाली हमारी बहुत ही चहेती अदाकारा ही नहीं बहुत अच्छी पर्सन भी हैं, और आज उनका जन्मदिन है तो बस ये बेहद खुशी की बात है, उन्हीं को मुबारकबाद कहने के लिए हम आए हैं। सारा भाई की टीम हम जब भी मिलते हैं हम पकड़ा जाते हैं, तो अभी मैं वही कि सब लोग आगे पता नहीं मेरे बिना क्या मैं मिस आउट फील कर रहा हूँ, अरे मैं थोड़ा लेट हो गया, वो लोग ज़्यादा मज़े ना लूट लें, तो मुझे जल्दी से जाना है अंदर। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। बाप रे, ये सारे रूपाली की वजह से, रूपाली के लिए। अरे मस्ती कर दो। हाँ बोलिए। रूपाली जी का बर्थडे, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है, काफी लोग ऊपर आए सेलिब्रेशन, आप ऊपर जाने के लिए कितना वेट कर रहे हैं? मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत ही वेट कर रहा हूँ कि मैं जाकर रूपाली को हग करूँ और प्यार से विश करूँ। हमारे ग्रुप की जान है रूपाली, सारा भाई ग्रुप की जान है रूपाली, वो नहीं होती तो पार्टी में मज़ा नहीं होता है, कहीं भी ग्रुप पे भी मज़ा नहीं होता है। उसकी कमेंट्स अच्छी, रूपाली जैसी नहीं, आप समझ गए, तो मस्ती भरी रूपाली की हमारे ग्रुप पे जितनी मस्ती होती है, खिंचाई होती है, वो सभी को मज़ा आता है और रूपाली को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसका। तो वी ऑल एन्जॉय, वी ऑल हैव फन, एंड मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ कि रूपाली का कुछ ऐसा सुने और हम दोनों ज़ोर से हंसे, सभी लोग हंसे। एंड बहुत खुश है कि रूपाली को बहुत ही वेल डिजर्विंग सक्सेस मिली है, ये वो डिजर्व करती है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी व्यक्ति है, और भगवान करे ईश्वर करे इससे भी ज़्यादा सक्सेस मिले। तो जिस तरह का प्यार मिलता है रूपाली को, सारा भाई सीरियल हो गया या अनुपमा सीरियल हो गया, आप किस तरह से देखते हैं ये प्यार जो फैंस की तरफ से मिलता है? देखो जो व्यक्ति जैसा होता है ना वैसे एनर्जी अट्रैक्ट करता है, तो रूपाली को मैंने हमेशा देखा, हमेशा खुश, मस्ती, हंसी मजाक और लोगों से एकदम प्यार से मिलना जुलना, तो जितना प्यार उसने दिया है उतना उसको वापस मिल रहा है, तो वो डिजर्व करती है ये पॉपुलैरिटी, ये प्यार, ये सक्सेस, सर कभी नहीं जाता, हाँ ये सारा कुछ डिजर्व करती है वो, और वो ये सब मिल रहा है। तो और हमारे लिए सारा भाई का रीयूनियन है,
तो रूपाली को मालूम है रूपाली के बर्थडे से ज़्यादा योर रियूनियन में ज़्यादा खुश होते हैं वो खुद भी। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है ये शाम, बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आगे देखिए होता है क्या, ये लुक के बारे में कोई पूछता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये प्रूफ नहीं कोई प्रोजेक्ट के लिए थी ये, तो कोविड में पता चला सारे सतीश जी से हो गए सफ़ेद हो गए, तो मैंने बोला कि कुछ करना पड़ेगा एंड हियर आई एम। मेरे दोस्त है आलिम, उन्होंने एक अच्छी सी लुक दी एंड आई गॉट आउटस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स और मुझे लगा हाँ यार ये तो इन वोग है ये लुक, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ मुझे इस लुक में काम करना है पर मैं इतना बिजी और कोई मुझे काम किसी को यही नहीं समझ आता, ये प्रोडक्शन के बाहर काम नहीं करता है। आई रियली वॉन्ट टू डू सम स्टाइलिश कैरेक्टर इन दिस लुक, मैं तो साउथ की फिल्म में प्रभास के सामने विलन बनने को भी तैयार हूँ ये लुक में। थैंक यू वेरी मच। अव्वल तो आई हैव टेकन बाय सरप्राइज, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा तामझाम होगा। मैं समझा उसने एक अदद रेस्टोरेंट बुक किए हम सबके लिए टू सेलिब्रेट अवर बिलेटेड बर्थडे, तो यहाँ आके ये चकाचौंध देखे तो मेरी आंखें चकाचौंध होगी। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर एवरीबॉडी के इतना गजब का पूरा माहौल बना रखा है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, विच शी नोस शी इज वेरी डियर एंड अ डार्लिंग ऑफ माइंड। What is the one thing that makes you very special? She's all love. She's not pretentious. And with the people she knows, I think even when she becomes 90 years old, God bless her, if she lives that long, I hope she lives that long, she'll be the same. Which is how I recognize a person. I have this strange ability, if I know, I can see through the person whether it's, whether it's a facade or a reality. Or you know, jo bolte na, सही चीज़ है। She is one of them. हो गया मेरा बात सर, यहाँ पे देखिए सर। रूपाली का बर्थडे है, रूपाली जैसे घर की सदस्य है। आजकल तो मैं ये कहूँगा कि अनुपमा नाम का जो सीरियल है वो इतना मशहूर हो गया है कि पूरे इंडिया के ही नहीं, हर भारतीय जहाँ जहाँ देश विदेश में बसे हुए भारतीय उन सब के घर की सदस्य बन चुकी है हमारी रूपाली, जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से काफ़ी उनको सबसे पहले पॉपुलैरिटी मिली थी। जैसे कि सब जानते हैं सारा भाई का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो हमारा इंटरेक्शन जो रूपाली के साथ हुआ था एज अ डायरेक्टर एक्टर, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल इंटरेक्शन और तब से एक बहुत प्यारा बॉन्ड बन गया था हमारे बीच। और तब से रूपाली हमारी बहुत ही चहेती अदाकारा ही नहीं बहुत अच्छी पर्सन भी हैं, और आज उनका जन्मदिन है तो बस ये बेहद खुशी की बात है, उन्हीं को मुबारकबाद कहने के लिए हम आए हैं। सारा भाई की टीम हम जब भी मिलते हैं हम पकड़ा जाते हैं, तो अभी मैं वही कि सब लोग आगे पता नहीं मेरे बिना क्या मैं मिस आउट फील कर रहा हूँ, अरे मैं थोड़ा लेट हो गया वो लोग ज़्यादा मज़े ना लूट लें, तो मुझे जल्दी से जाना है अंदर। थैंक यू सो मच।
जाके मिल लूं पहले रूपा को। ओके आई एम सुपरली एक्साइटेड बिकॉज रूपाली इज माई वेरी 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 डियर फ्रेंड। वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी बीन फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री सिंस इयॉन्स, लाइक अ लॉन्ग 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 टाइम। सो आई एम सुपरली एक्साइटेड। उसका बर्थडे है, वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी। She's very caring, she's very loving. That's what I really like about her. Oh, okay. So that's our favorite show. And what do I say? Anupama is the best. Thank you, ma'am. Sir, bye. Please, sir. I'll ask, sir. About the birthday. Okay, sir, so you have came for birthday. Yeah. How excited? Ye family hai, Ganguly family. Unke pitaji अनिल गांगुली जी बड़े अमेजिंग डायरेक्टर, इतना काम किए हैं फैमिली, तो मेरी बहन है रूपाली, उनका सक्सेस इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अनुपमा इज़ डूइंग सो वेल और शी डिजर्व्स द बेस्ट, अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई गिव हर ऑल द बेस्ट विशेस। द शो इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, बट ये एक ऐसा शो है जो लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं और इतना पॉपुलर हो गया है। पूरी कास्ट को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल द बेस्ट टू देम। और अभी प्रीक्वल भी आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट मतलब वही है कि दो परिवारों का मिलन हो रहा है। बट इट्स ग्रेट फॉर हर टू यू नो रिकग्नाइज द फैक्ट दैट कि उसके रूपाली के जीवन में अनुपमा की जितनी अहमियत है, सारा भाई की भी उतनी ही अहमियत है। एंड द वे इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, पसीना दिख ही रहा होगा, नाच नाच के पसीने से हालत ख़राब है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आने वाले हर साल वो तरक्की करती रहे। अनसेड है उसके लिए, मतलब कहना शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई थिंक कि भावनाओं में हम लोग एक दूसरे से इतनी बुरी तरह जुड़े हुए हैं कि मतलब जीवन के किसी भी मोड़ पे आई थिंक कि जैसा बोलते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, सो फॉर रूपाली शी इज़ प्रूविंग इट अगेन एंड अगेन दैट फैमिली कम्स फर्स्ट। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ शो को। इनफैक्ट सुधांशु हैं, गौरव हैं, जितने भी कलाकार हैं, बड़े मंझे हुए कलाकार लिए हैं। और कहानी स्टोरी जो है वो आज के दौर में जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज़ का ज़माना है, वहाँ पे ये सस्टेन करना, ये अपने आप में सक्सेस को बयां करता है। थैंक यू। Ashwin,
Happy that Anupama is played by Rupali ji.